नमस्कार, आपका स्वागत है अनुदीप योर स्टडी बड़ी फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट। हमने पेपर प्रेजेंटेशन हाउ टू राइट अ नीट क्लीन एंड प्रेजेंटेबल आंसर पेपर, उसके बारे में थोड़े वीडियोस पहले ही अपलोड किए हैं। उसमें मैंने जनरल पेपर प्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाई दीज मार्जिन्स 1, 2, 3, उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो क्यों जरूरी है, वो सारी बताई है। फिर सेकेंड सेशन में हमने मैथ्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैथ्स में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में बताया है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो ये तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, पर आप उसके साथ पहले वाले ही वीडियोस देखिए। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रेड 9 और 10 के बच्चों ने ही ये देखना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस ग्रेड 5 और 6 से शुरू हो सकती है। और जितने जल्दी आप शुरू करते हो, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मार्जिन्स निकालते वक्त पेंसिल और स्केल का यूज करोगे। जब हम पेंसिल, स्केल, पेन रख के वो उठा रहे हैं, मार्जिन निकाल रहे हैं, फिर वो रख के पेन उठा रहे हैं, इसमें तो टाइम जाता है, वो टाइम बहुत कम से कम जाए, इसीलिए आप ग्रेड 5 और 6 से पेपर प्रेजेंटेशन में वर्क कीजिए। अब ये कैसे करना है, ये मैं सीरीज के जो हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा सोशल साइंस और साइंस, उसके बाद के वीडियो में आपको ये पूरा इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप बार बार एग्जाम तो नहीं दे पाओगे, तो कैसे प्रैक्टिस करनी है डेली रूटीन में, तो वो भी बताऊंगी मैं। अब देखो, लैंग्वेज में, लैंग्वेज इज आपका लिटरेचर होता है, फिर अनसिन कॉम्प्रीहेंशंस एंड पोएम्स होते हैं, फिर उसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, आप वो सुन लीजिएगा। अब लॉन्ग आंसर में एक चीज आपको रखनी है कि आपको पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, और आपका पैराग्राफ 4 to 5 लाइन का हो और लॉजिकली एंड हो। जैसे 5 लाइन्स हो गया और फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के या नेक्स्ट लाइन पे आप दूसरा पैराग्राफ शुरू कर सकते हो, वो दिखते वक्त बहुत अच्छा दिखता है। और उसमें भी अगर आपको लगे कि कोई कीवर्ड है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है दैट अ पेपर जो चेक करने वाला है वो बंदा पढ़े, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स में आपको पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने हैं, 2 पैराग्राफ में बीच में एक लाइन छोड़ी तो बहुत बढ़िया। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा ही है, नीट है, तो नहीं छोड़ी तो भी वो अच्छा ही दिखेगा, पर अगर हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें, तो एक एक लाइन पैराग्राफ के बीच में छोड़ दीजिएगा। मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक, नो ग्रामेटिकल एरर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन इज करेक्ट। ये तीनों चीजें सारे सब्जेक्ट्स में टिल ग्रेड 12 तो देखे ही जाते हैं। 12 तक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स विल मेक यू लूज मार्क्स। भले आपका आंसर करेक्ट है, पर ये तीन चीजें सारे सब्जेक्ट्स में देखे जाते हैं, तो नॉट ओनली इन लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस में भी। अब आता है लेटर राइटिंग और न्यूज राइटिंग। इसका एक रूल होता है और ये रूल हर एक स्कूल में अलग होता है या कभी कभी सेम भी होता है। यू हैव टू फॉलो योर स्कूल्स रूल और योर बोर्ड्स रूल। अगर बंदा स्टेट बोर्ड में है तो उसे उसकी टीचर बताएगी कि कहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कहाँ पे डेट आनी चाहिए, कहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। यू हैव टू फॉलो दैट रूल एंड इट इज स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में कुछ आपको ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी ही नहीं है। आपको सिर्फ उनका फॉर्मेट फॉलो करना है कि नाम कहाँ पे आएगा, डेट कहाँ पे आएगी, टू में क्या होगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, कौन सी लाइन छोड़ी जाएगी, कहाँ पे सब्जेक्ट होगा, रिस्पेक्टेड सर कैसे आएगा, कॉमा आएगा, फिर आपका 2 पैराग्राफ में पेपर का कंटेंट आएगा, लेटर का कंटेंट आएगा, फिर यूर्स फेथफुली एंड ऑल दो स्टफ एग्जैक्टली फॉलो करना है। इतना प्रॉपर प्रैक्टिस करो कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिले। सेम विद द न्यूज राइटिंग, न्यूज जो लिखते हैं हम, वो ये हिंदी में, मराठी में भी होती है। सो ये सब लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, इंडियन हो, फॉरेन हो, आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे मार्क्स मिलवा के देगी इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मैट गिवन बाय योर टीचर एंड बोर्ड। ओके,
अब आता है एसे एंड स्टोरी राइटिंग। एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। अब सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे के पास क्रिएटिव ही नहीं है, वो कुछ लिखेगा ही नहीं, उसको क्लासेस में डालो। सी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्रिएटिविटी इज अ स्किल, हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए, ऐसे नहीं। पर अगर ऐसे एंड स्टोरी राइटिंग छोड़ के बाकी का जो पेपर लिटरेचर पे है, ग्रामर पे है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पे है, अगर उधर वो स्कोर कर पाता है, देन इट्स वेल एंड गुड। और यहाँ पे ऐसे में, ऐसे और स्टोरी राइटिंग में यू नीड टू रीड लिटिल, कि कोई भी जैसे जो ग्रेड 5 के बच्चे है, ग्रेड 6 के बच्चे है और ग्रेड 10 के भी मोस्ट ऑफ द बच्चे, वो खुद की स्टोरी पूरा नहीं बनाते हैं, कुछ तो रेफरेंस हमेशा होता है। जैसे अगर मैंने कोई एक स्टोरी सुनी है कौवे की और तोते की, तो शायद वो रेफरेंस लेके मैं कुछ और स्टोरी बनाऊं, राइट? एग्जैक्टली उसमें कौवा तोता नहीं होगा, पर थोड़ा सा वो कंसेप्ट होगा। तो अगर बच्चा थोड़ा सा रीड कर लेता है स्टोरीज या एसेज, तो उसमें वो अपनी खुद की स्टोरी बना पाता है। अब ये स्टोरी और एसे में भी एक पैटर्न होता है हर एक बोर्ड का। तो हम अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले या अपने सीनियर से पूछे, तो किस टाइप्स की स्टोरी आती है, किस टाइप के एसेज आते हैं, तो थोड़ी हमें आइडिया आ जाती है। आप अगर, आपको रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, यू आर नॉट अ पर्सन हु विल सिट एट वन प्लेस एंड रीड, देन ऑल्सो इट इज फाइन, यू वॉच मूवीज, राइट? मूवीज के जो अच्छे पार्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस और जो अंग प्रदर्शन होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड पॉइंट ऑफ दोज मूवी, यू कैन टेक दैट पार्ट एंड डेवलप दैट, ओके? जैसे रंग दे बसंती है, वो कैसे आमिर खान और उसके फ्रेंड ने मिलके अपोज करने की कोशिश की, ओके? बहुत सारे ऐसे मूवीज है, हमने उरी देखा है, और कोई ना कोई मूवी में, कितना भी फ्लॉप मूवी हो, उसमें कुछ तो अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपने वो कुछ मूवी देखी है, तो उसको अच्छी तरीके से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप डेवलप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत कुछ, सारी की सारी उसमें बहुत कुछ वॉयलेंस दिखाया जाता है, छोटे बच्चे ना देखे, ऐसे सीन्स होते हैं, आपको वो चीज लेनी नहीं है। अगर आपने वो देखे है, फिर भी आपको लेनी नहीं है। इन शॉर्ट, अगर वो एक्टर और एक्ट्रेस अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करता है, उस रिलेटेड आप बोल सकते हो। वेरी सिंपल, बहुत बच्चों को रीडिंग पसंद नहीं है, और जिनको पसंद है, वो दे कैन डेवलप देयर स्टोरीज बाय टेकिंग द रेफरेंसेस। तो ये हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको आपकी क्रिएटिविटी राइटिंग में दिखानी है, राइट? आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हैंडराइटिंग रीडेबल होना चाहिए, एकदम मोटी जैसे होना चाहिए तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो चीज जो है गुड हैंडराइटिंग, वो बचपन से ही बढ़ती है। पर अगर आपका बच्चा 7th 8th में है और हैंडराइटिंग ऑलरेडी उसका सेट हुआ है, उसे सिर्फ ये बोलना है कि वो रीडेबल हो। और हैंडराइटिंग रीडेबल कैसे होगी, ये आपको मैं अलग सेशन में बताऊंगी। थैंक यू। आपको, आई होप आपको ये लैंग्वेज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे बहुत सारे वर्कशीट्स है जहाँ पे हम प्रैक्टिस वर्कशीट्स देते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, और आपको जो वर्कशीट चाहिए कस्टमाइज करके, उसी लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।